भाई निकलो निकल 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 निकल। क्या देख लो टायर एकदम से घिस चुका है पूरा। ये देख लो यार, ये देखो यहाँ से आगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सजाद व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम से बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच भाई लोग, आप बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो अपने भाई को, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों को कल पता ही है कि मेरी बाइक जो है सीज हो गई थी, तो आज फाइनली वो रिलीज़ हो गई है। तो भाई ना एक बात मेरे को बहुत ही बुरी लगी भाई, ट्रैफिक वालों ने, चलो उन्होंने तो अपना काम किया, मैं उनकी एंटी बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, उन्होंने किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिनकी वजह से वो सीज हो गई थी। बाकी ट्रैफिक वालों ने कहीं भी नहीं बोला था कि भाई आप स्टंट्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने मेरा चैनल वगैरह चेक किया, सब कुछ भी नहीं था कहीं भी, मैं स्टंट राइडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा था। बाकी ये जो न्यूज़ वाले ना क्या क्या नहीं बोल रहे हैं भाई, वो क्या क्या मतलब हर एक बाइक को स्टंट बाइक बता रहे हैं। अगर नॉर्मल बाइक जो मिडिल क्लास बंदे अफोर्ड कर पा रहे हैं भाई, वो नहीं लो, वो स्टंट बाइक हैं। बड़ी बड़ी बाइकें लो, ठीक है, जो मतलब सुपर बाइक में, वो स्टंट बाइकें नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बाइकों को सीज कर रहे हैं भाई, स्टंट बाइक है भाई। कोई भी स्टंट मैंने कहीं मारा ना, ना उस पर एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन है ना कुछ है, इवन के ट्रैफिक वालों ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन न्यूज़ कहाँ कहाँ पहुँची भाई। बस जिस बंदे ने वो न्यूज़ डाली है ना 60K के आसपास उसको व्यूज़ आ गए उसमें भाई, तो वो क्या सोच रहे होंगे बंदे, ठीक है। जो जो उस बंदे के जो जो बंदों ने वो न्यूज़ देखी है भाई, अगर उनमें से कोई मेरी वीडियोस देखता है तो भाई दोबारा से चेक करो मेरे YouTube चैनल के। फाइन पर्सनली मैंने खुद अपनी बाइक पे कहाँ पे स्टंट्स मारे हैं भाई, वो दिखाओ मेरे को, ठीक है। आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो भाई, कुछ कुछ बंदे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल को, उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर ने जवाब दे दिया। मैं खुद कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने अच्छा नहीं समझा उनको, मतलब रिप्लाई देना भाई, थैंक यू सो मच भाई, मैं उसको भी सपोर्ट समझता हूँ। अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हो ना, वो भी मेरे लिए सपोर्ट है भाई। बाकी मेरी बाइक स्टंट्स के चक्कर में सीज नहीं हुई थी, ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि मेरी बाइक ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास मिसिंग थे वो बाद में मैंने शो करवा दिए थे, उसकी वजह से जो थी सीज हो गई थी। बाकी न्यूज़ में आप लोगों ने खुद भी देख लिया होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल आज चलते हैं किसी मस्त राइड पर। हाँ, सबसे पहले बात ये बता देता हूँ भाई, कहीं स्टंट राइडिंग नहीं करो, अगर आप करते हो भी अपने रिस्क पर करो। हम नहीं कहते भाई किसी को स्टंट राइडिंग करो, हम अगर कुछ भी कंटेंट बनाते हैं वो हाई लेवल की एडिटिंग होती है भाई, जिससे वो लगता नहीं, ठीक है। तो कुछ कंटेंट्स जिसमें मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो या भी होता है, तो वो स्क्रिप्टेड होती है भाई, ठीक है। बाकी मैं वीडियोज में भी डालता हूँ कि अगर कुछ भी करना को अपनी सेफ्टी से राइड करो, ठीक है। ऑलवेज योर हेलमेट्स, ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल, ठीक है भाई। ट्रैफिक वाले कुछ नहीं करेंगे, भागना तो बिल्कुल नहीं, भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी आप लोगों को। फिलहाल ना आज फेस कैम ज्यादा हो गया, तो चलते हैं आज मस्त सी राइड पे। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ सीधा अपने डेविल। आगे अपना ऑफ रोड देख रहे हो, क्या बात है यार, काफी टाइम के बाद मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ। जब से मैं भदरवाह से वापस आया हूँ तब से मैंने ऑफ रोड कहीं भी नहीं किया, ठीक है। बाकी ये चैनल का लोगो यहाँ से हटवाना पड़ेगा भाई किसी भी कंडीशन में, ये रेडियम का लिखा हुआ है ना, मेरे को नहीं लगता ये भाई यहाँ से रिप्लेस होगा, बट कुछ ना कुछ करके ना रिलीज करना पड़ेगा इसको। बाकी आगे जुनेद के टायर की हवा ना कम है ना, नीचे स्टैंड लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। ऑफ रोड अगर आना होना यहाँ पे हवा वगैरह प्रेशर वगैरह ना पूरा होता टायर्स को, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे लोकेशन इतनी मस्त है ना, क्या बताऊँ, बिल्कुल शांति है एकदम से यार। बाकी मेरे को आज ना दिन को टाइम नहीं लगा था व्लॉग बनाने में, क्योंकि मैंने ना बाइक रिलीजिंग करवाई थी, उसके बाद मेरे को कोर्ट वगैरह में जाना पड़ा, उसके बाद मैंने बाइक वापस लाई। जुनेद भाई की बाइक भी फंसी हुई थी, वो भी आज ये बड़े दिन की रिलीज हो गई है, लेकिन इनका ना DL और RC ना वहीं पे था अभी, वो भी आज मिल गया। हम आगे पत्थर देख रहे हो यहाँ पे ना, ये देख लो ट्रैक्टर वगैरह ही लगे होते हैं भाई। नहीं करो ये, नहीं करो यार, आराम से चलो, मत करो मत करो यार, ये नहीं कर। आगे ना हम इसको क्रॉस करेंगे पानी को यार, पहले ना मेरे को अपना वाइजर ओपन करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा ये। चलो चलो चलो। तो गाइस काफी दिन के बाद मैं ऑफ रोड कर रहा हूँ, देख लो, क्योंकि मेरे ना पिछला मडगार्ड निकाला, मेरे को लगता है पानी सारा ऊपर आ जाएगा भाई, पानी बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा, इसका जूता गिला हो जाएगा पूरा, जूता निकाल देता हूँ मैं पहले। तो गाइस फिलहाल ना जूता निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद निकलते हैं। गाइस देख रहे हो कहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहाँ पहुंचे हैं, चलो आगे जाते हैं। फिलहाल आओ पकड़ मेरा मोबाइल पकड़िए। अबे ब्रो मेरी हालत देख ना, मैं भी गिर गया तो भाई। तू माता कोई बचला नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। गाइस इधर इधर से निकालनी पड़ेगी बाइक, ये देखो बिल्कुल शांति वाला माहौल है, यहाँ पे कोई नहीं आता, मैं पहली बार खुद आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो चलते हैं देखते हैं। एक तो कीचो ये है ना, पानी बिल्कुल ऊपर आएगा, ये देखो इसकी वजह से देख रहे हो पानी सारा ऊपर आएगा मेरा। चलो चलते हैं पहले आगे, सब क्या बनेगा मेरे को खुद भी नहीं है पता। चलो निकलते हैं यार। बहुत पानी है यार, अबे बहुत पानी है, पैंट ऊपर करनी पर। देख रहे हो गाइस बाइक कहाँ पे आ गई है मेरी, ये देखो
पैंट तो वैसे भी गिली हो ही गई है ये। निकल गई बाइक। अब एक बाइक और है, उसको निकालेंगे पहले, ठीक है। ये देखो हालत देख लो यार। नहीं लेकिन पीछे से पानी ऊपर नहीं आया बिल्कुल भी, ठीक है। अब जुनेद की बाइक है, उसको निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। फाइनली गाइस ये देख लो जुनेद भाई की बाइक भी आ गया इस साइड, मेरी बाइक भी आ गया। ये ना जुनेद की बाइक ना इतनी स्मूथली निकली ना इस वाली जगह से, मतलब जैसे पता ही नहीं लग रहा था पानी है भाई इसमें, क्योंकि भाई ये ना हैवी है थोड़ी सी बाइक ना, ये मतलब झूल नहीं खाती है इस साइड। और मेरी बाइक ना इसका टायर दूसरा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल मतलब आगे पीछे हो रही थी बाइक। आपने देखी अपनी बाइक कैसे मैंने निकाली, बिल्कुल मतलब आराम से, है ना। फिलहाल यार अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास है यार, ठीक है भाई। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, दिल से थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू सो मच, ठीक है। और वो चलान मेरा स्टंट राइडिंग की वजह से बिल्कुल नहीं हुआ था, मैं पहले बताया मैंने आप लोगों को, वो चलान मेरा इस वजह से हुआ था क्योंकि ना मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे बाइक के, जो बाद में मैंने कोर्ट में दिखा के मैंने अपनी बाइक निकलवा ली थी बाहर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से आगे जहाँ पे रेत वगैरह हो वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद निकलते हैं वापस। ये अपना भाई हो गया फुल पावर रेडी, इसने अपना शूज़ लगा लिया। अब मैं ना चप्पल में ही चलूंगा क्योंकि दोबारा से बाइकें यहाँ से बाहर निकालनी है। तो चलते हैं आगे, उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। हमने रिवर वगैरह क्रॉस किया था, अब जा रहे हैं हम आगे दूसरे ऑफ रोड में। आज ना मजा आया, पहले जब मतलब मैं भद्रवाह में मैंने ऑफ रोड किया था आज से ना 2-3 महीने पहले, ठीक है। यहाँ पे ना बाइक्स वगैरह नहीं आती, यहाँ पे ना मैक्सिमम ना ये ट्रैक्टर वगैरह आते हैं रेता बजरी वगैरह लेने के लिए, ठीक है। कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं कर दे यार, हम तो यही सोचते हैं, मतलब हम तो सेफ राइड करने आए थे। यहाँ पे ना कोई भी बाइक वगैरह नहीं आती है, जिसकी वजह से ना हम यहाँ पे आए। ट्रैक देख लो, पूरा ट्रैक बना हुआ है यार। आगे जुनेद भाई की बाइक जा रही है, टायर से ना पूरी वो ट्रैक बन रहा है आगे को। चल आगे, अबे ये नहीं कर यार, ये नहीं कर, ये वाली चीज काम बिल्कुल मत करो भाई, ठीक है। कोई भी स्टंट नहीं करेगा आज के बाद, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कहीं भी स्टंट्स नहीं दिखेंगे भाई आज के बाद, ठीक है। देख लो रेत कितनी है भाई यहाँ पे, क्या बात है, टायर बबल हो रहा है पिछला एकदम से ना, मतलब जिसकी वजह से प्रेशर नहीं बन रहा बाइक का आगे, मतलब रेत ना अपनी तरफ खींचती है टायर को। अब रुको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रुको, अब यहाँ से बाइक से उतरते हैं नीचे। तो गाइस देख रहे हो टायर ना एकदम से, जुनेद भाई की बाइक गिर गई थी नीचे मेरी, देख रहे हो क्या बात है। टायर ही नहीं चल रहा आगे। ओ हमारी गाय बाइक देख रहे हो कहाँ पे फंस गया यार, ये चेक करो, देख लो टायर एकदम से घिस चुका है पूरा, ये देख लो यार, ये देखो यहाँ से आगे मेरी बाइक जा ही नहीं रही है बिल्कुल भी। देख लो कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं लगा उसने, वो देखो आगे जुनेद की बाइक, इसका क्या हाल हो रहा है, ठीक है। करेंगे अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी से वापस, हम आज के लिए अपने रखा, हम ना डेली इसी वाली साइड आया करेंगे व्लॉग बनाने। वो देखो टायर कैसे स्लिप हो रहा है अपने आप, ये देखो रोल हो रहा है टायर एकदम से, ये देखो चल ये देखो, देते ना अगर तो मतलब स्लिप नहीं भी करेगा, ये देख रहे हो। हेलो और व्यू देखो यार हम कहाँ पे पहुंचे हैं आज, देख लो मेरी बाइक की कंडीशन देखो पहले वो चेक करो यार। तो गाइस अभी ना जुनेद भाई की बाइक लेते हैं आगे जहाँ पे मैंने अपनी लगाई है, वहाँ पे फोटो शूट वगैरह करेंगे उसके बाद निकलेंगे। अबे क्या बात है, क्या चलते हैं आगे, यहाँ से उतारता हूँ बाइक को। अबे उठा इसको, उठा। अबे देख रहा है कहाँ से स्लिप हुई, पकड़ रही है, जरा भी ग्रिप नहीं पकड़ रही है यहाँ पे, हैं? यहाँ पे टोटली ग्रिप नहीं पकड़। चल उठा बाइक को यार, देख रहे जुनेद की बाइक की क्या हालत हो गई, कहाँ से चढ़ानी है, मुझे उस चीज की टेंशन है। अब क्या करेगा, गड्ढे में फंसा दी है बाइक, अब क्या करेगा, तू निकाल, मैं वीडियो बनाता हूँ तेरी। निकाल, ऊपर वेट मत रख, निकाल ले। गाइस ना ऑफ रोड करने का ना मजा ही कुछ अलग है यार, ये देखो आगे मेरी बाइक कहाँ पे, वो देखो वो ना आधी दिख भी नहीं रही है। चलो क्या कर सकते हैं, चलो चलते हैं अब यहाँ से वापस यार, ठीक है। ये वाला पानी ना हम जिंदगी में क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जहाँ से मैंने बाइक लगाई ये वैसे लगा जाओ।
फाइनली गाइस देख रहे हो वहाँ पे ना सनसेट हो रहा है। यहाँ पे तीन बाइकें, एक बाइक और आ गया, वो आ गई तीन बाइकें। अब चलते हैं यहाँ से वापस। ठीक है, अब काफी ज्यादा देर हो गया, मेरे को लगता है ना कोई आ भी जाए कोई मसला नहीं चाहिए हमें। ठीक है, ये रहे जुनेद, ये रही हमारी तीन बाइक है, जुनेद भाई की बाइक, मेरी बाइक, एक बाइक और है। अब चलते हैं यहाँ से वापस, मिलते हैं इसी तरह के किसी मस्त से कॉन्टेंट में। खाली ऑफ रोड करेंगे भाई, मैक्सिमम ना ऑफ रोड मिलना देखने को मिलेगा, मतलब हाईवे पे कभी कभी बनाएंगे व्लॉग हम, नहीं तो ऑफ रोड में ही बनाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये ट्रैक कुछ इस तरह का था, कल भी शायद हम इसी साइड आएंगे। तो अभी ना मैं अपना कैमरा बंद करूं, जब रिवर क्रॉसिंग दोबारा होगी वहां पे मैं अपना कैमरा दोबारा ऑन करूंगा, मैं मिलता हूं उसके बाद आपसे, बाय। चलो सो गाइस, जब हम जा रहे हैं यहां से वापस, ये देख रहे हो एक दो बंदे ना पैदल चलाना पड़ रहा है भाई इनको, वो देखो ऑफ रोड, ऐसा ऑफ रोड ना मैं पहली बार देख रहा हूँ लाइव में यार। बहुत ऑफ रोड किया हमने भद्रवाह में, बनी में, लेकिन नहीं इसमें कुछ मजा ही अलग है। चलो वे चलो, हाय हाय क्या बात है, गई भाई गई भाई। मैंने अब रास्ता भी भूल गया, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, देख रहे हो कहाँ से चढ़ाऊं बाइक भाई, चढ़ 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 तो वाइजर में फोग जमा हो रही है ना, दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ से जाना है। ये देखो एकदम से पत्थर आ रहे हैं बाइक के बीच में। एक्चुअली हमें ना इस वाले रोड से जाना है, चलो फोल है उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, मेरा फ्यूल भी खत्म हो गया, ये चेक करो, जाएंगे सुबह उसको रिफिल वगैरह करेंगे, उसके बाद ना कल मुझे लगता है हम इसी साइड आएंगे दोबारा ऑफ रोड करने, यार मजा आ गया आज तो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ना रेत है ना, इतना टायर स्किट होता है, इतना टायर स्किट होता है कि छोई मत। पिछला बंदा ना पिछले जब टायर रोल होता है आगे पीछे, पिछले बंदे की जान अलग में फंसी होती है, आई नहीं दे रहा था क्योंकि सबके ब्लैक वाइजर उतना, एक तो मतलब शाम का टाइम है ना जिसकी वजह से हेलमेट नहीं पहन, वो देख रहे हो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सूरज ना गरूब हो रहा है इस टाइम, तो जिसका टाइम हो चुके हैं 5:30, तो दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से ना इन्होंने नहीं लगाया हुआ है। हम इधर से ही आए थे, मेरे को नहीं लगता हम इधर से आए थे या नहीं, वो बंदा ना मेरे को लगता दोनों बंदे एक साथ में निकलेंगे। आज का हमारा ऑफ रोड हो गया कंप्लीट। ठीक है, अभी चलते हैं अपने अपने घर को, वो देख रहे दो बंदे तो इतनी तेज जा रहे हैं भाई जैसे ना इनके पीछे लगा हुआ है कोई। ठीक है, हम जाएंगे मजे से, आज ना अंधेरा हो रहा है उतना व्यू अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि आज हमने लेट व्लॉग शुरू किया था थोड़ा, कल ना हम दोबारा से उसी वाले ऑफ रोड में जाएंगे क्योंकि वो अभी ऐसे ही बनाया था, हम आज देखने गए थे सिर्फ लोकेशन वगैरह कैसी है, शायद से कल भी हम उसी वाले ऑफ रोड पे जाएंगे क्योंकि ना वहाँ पे ना कम से कम भी 50 ऑफ रोड है भाई, इतनी इतनी जगह वहाँ पे, मतलब पूरी आगे तक हर जगह बाइक जा सकती है बिल्कुल आराम से। फिलहाल आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, एंड में यही कहूँगा मैं थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत साथ दिया भाई मेरे ना, 800 के सब्सक्राइबर आप करवा दिए आप लोगों ने। ठीक है, 1K करवा दो, उसके बाद ना मॉडिफिकेशन भी करवाएंगे अपनी बाइक में। ठीक है,